तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बनाऊंगा राधा कृष्ण जी का एक आउटलाइन ड्राइंग। तो मैंने एक 2B पेंसिल ले लिया और इधर ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए मैंने आईज, नोज और जो फेस का हिस्सा है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, ये जो ग्रीन लाइन देख पा रहे हो स्क्वायर स्क्वायर सा, ये मैंने कैसे बनाए इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ। और गाइस, ये जो ग्रीन लाइन है इससे ड्राइंग बहुत ही अच्छा बनता है गाइस, आप भी ट्राई करके देखना। गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको ये ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आता तो पहले आप ग्रीन लाइन का यूज़ मत करना। पहले आप छोटा छोटा ऑब्जेक्ट या फिर कोई छोटा सा एक ड्राइंग लेना और ड्राइंग को लेके फ्री हैंड जो है फ्री हैंड ड्राइंग करना। उसके बाद जब देखना आपका हाथ थोड़ा थोड़ा सेट हो गया है कि पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं, कैसे लाइट तरीके से ड्राइंग करते हैं, उसके बाद जो ग्रीन लाइन मेथड है उसका यूज़ करना। ग्रीन लाइन मेथड का क्यों यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि जो ड्राइंग का जो रियलिस्टिक है या फिर जो ड्राइंग का जो फेस होता है ना, वो अगर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, नाक छोटा बड़ा, आँख छोटा बड़ा ऐसा ना हो, इसलिए मैं ड्राइंग ग्रिड लाइन का यूज़ करता हूँ गाइस। ग्रिड लाइन का यूज़ करने का रीज़न यही है कि ड्राइंग जैसा है बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही बनेगा गाइस, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैं ग्रिड लाइन का यूज़ करता हूँ ताकि ड्राइंग बिल्कुल रियलिस्टिक लगे और एकदम अच्छा बने गाइस। तो गाइस, मैंने इधर पे 2B पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया ये जो आउटलाइन है इसको बनाने के लिए, और टॉम्बो मोनो इरेजर और डोम सी इरेजर की भी यूज़ किया जो जो एरियाज है उसको इरेज करने के लिए गाइस। और पहले जब आउटलाइन करना तो ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत करना गाइस, एकदम लाइट लाइट से करना। तो देख सकते हो गाइस, आउटलाइन मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने इधर टॉम्बो मोनो इरेजर ले लिया और ड्राइंग के बीच में जो ग्रीन लाइन है उसको मैंने इरेज कर दिया गाइस, और ड्राइंग हमारी रेडी।